में तीसरे चरण में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई सारे ऐसे कांग्रेस नेता हैं जो गुजरात में प्रचार प्रसार करने वाले हैं। प्रियंका गांधी आज वलसाड के धर्मपुर में कांग्रेस कैंडिडेट आनंद पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस के चुनाव प्रचार का आगाज किया। प्रियंका गांधी 5 साल बाद गुजरात आई है, उन्होंने वहाँ के लोगों से रूबरू होते हुए देखिए क्या कहा। अब आप जानते ही हैं, आपने देखा होगा कि भाजपा के कई नेता, कई मंत्री, कई जो चुनाव के उम्मीदवार हैं, जगह जगह में जाकर कह रहे हैं कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। देखा है आपने, सुना है, टीवी पे देखा। अच्छा, वो सब कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। मोदी जी जब मंच पे आते हैं तो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप इनका इतिहास देखो और देखो कि किस तरह से ये लोग पिछले 10 सालों से किस तरह से इन्होंने इस देश में अपना राज चलाया है, तो जो करने जा रहे हैं वो बात हमेशा वो अपने छोटे नेताओं से, मंत्रियों से कहीं कहीं बुलवा देते हैं और सबसे पहले शुरू में उस बात को नकारते हैं। तो शुरू में क्या कहते हैं कि चलो एक उम्मीदवार से कहलवा दिया, एक मंत्री से कहलवा दिया, किसी और से कहलवा दिया और हम मना करेंगे कि भाई हम ऐसा नहीं करने जाएंगे। जैसे ही सत्ता फिर वापस आती है तो वही चीज करते हैं जिसको इन्होंने नकारा था। तो ये इनका एक पुराना सिलसिला, एक पुराना तरीका है। आज हमने देखा कि कितनी खतरनाक चीज कह रहे हैं कि इनके लोग कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे। इस संविधान ने ही आपको अधिकार दिया, तो इसको बदलने का क्या मतलब है? इसको बदलने का एक ही मतलब है बहनों और भाइयों, कि ये लोकतंत्र को और भी दुर्बल बनाना चाहते हैं, कि इस देश की जनता को दुर्बल बनाना चाहते हैं। 10 सालों में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारा लोकतंत्र, जिससे आपके अधिकार, चाहे आदिवासियों के अधिकार हो, चाहे दलितों के अधिकार हो, चाहे किसी आम जनता के अधिकार हो, उनको मजबूत करने का काम नहीं किया है, सिर्फ उनको कमजोर करने का काम किया है। और जितने भी ऐसे संस्थान हैं जो लोकतंत्र को बचाते हैं, जो आपको बचाते हैं, आपके अधिकारों को बचाते हैं, उनको कमजोर किया है। चाहे आप मीडिया को लीजिए, एक जमाने में जब हम लोगों की सरकार होती थी तो मीडिया हर रोज हमसे सवाल उठाती थी, हर रोज कहती थी कि भाई सरकार ये गलत कर रही है, वो गलत कर रही है। और ये अच्छा होता है लोकतंत्र के लिए, किसी ने उन्हें टोका नहीं, किसी ने उन्हें जेल में नहीं डाला, किसी ने उन्हें उनका मुंह बंद नहीं किया, किसी ने उन्हें खरीदने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, पूरी मीडिया बिकी हुई है, पूरी मीडिया कुछ बड़े बड़े खरबपतियों की है, आपको सच्चाई दिखती नहीं है,